हरियाणा के छोरे लगातार दुनिया भर में अपना परचम फहरा रहे हैं। कभी खेलों में हरियाणा का सिर गर्व से ऊंचा कर रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर हरियाणा के चरखी दादरी के मूल निवासी अनुराग ने एनडीए की परीक्षा में देश भर में टॉप कर हरियाणा का नाम रोशन किया है। दरअसल अनुराग अपने परिवार के साथ 2005 में गुरुग्राम में शिफ्ट हो गया था और गुरुग्राम में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। अनुराग ने 12वीं के एग्जाम दिए हुए हैं और रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। इसी बीच अनुराग को प्रेरणा देश के शहीद और गांव के फौजियों से ऐसी मिली कि उसने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद एनडीए की परीक्षा दी और परीक्षा का परिणाम देशभक्ति और सेना का जुनून ऐसा रहा कि भारतवर्ष में एनडीए परीक्षा में अनुराग सांगवान ने टॉप कर दिखाया और एक बार फिर साबित कर दिया कि हरियाणा के छोरे किसी से कम नहीं है। अब अनुराग को लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अनुराग ने साफ कर दिया है कि अपने आप को देश की आर्मी के हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना चाहता है और देश की सेवा करेगा। अनुराग की सफलता और देशभक्ति के जुनून को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी अनुराग और उसके परिवार से फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई दी। साथ ही हरियाणा के विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ तमाम राजनेताओं ने भी अनुराग और उसके परिवार को बधाई दी। अनुराग के दादा और दादी की माने तो आज अनुराग की वजह से उनका नाम रोशन हुआ है और उनका सपना था कि उनका पूरा परिवार देश की सेवा करे। आज उनका सपना साकार हुआ है। अनुराग के दादा और दादी की माने तो अनुराग बचपन से ही बेहद होनहार था और पढ़ने में काफी होशियार था। मैंने एनडीए में AIR 1 में लिया। मुझे अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सफ़र था इसमें मेरे गुरुजनों का, मेरे दोस्तों का और मेरे परिवार का बहुत अहम हिस्सा था। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है और मेहनत ही वह सफलता का सूत्र है जिससे सब कुछ हासिल हो सके। मेरी पहली प्राथमिकता इंडियन आर्मी की है क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन आर्मी भरी थी और सेकेंड प्रेफरेंस एयरफोर्स। ऐसा आज सच कुछ नहीं होता और एज अ फौजी अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो देश के जवान को कहीं भी भेज दिया जाए, हम कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। बेहद खुशी हो रही है जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है। ये इसी साल से किए, ये घना लंबा समय नहीं लेता जी। ये प्लस टू की भी तैयारी करी और इसकी एनडीए की भी तैयारी करी। इसे 8 जनवरी से 18 फरवरी तक इसका मेडिकल टेस्ट चला है और फिजिकल वगैरह, और 24 को फिर इसका प्लस टू का पेपर शुरू हो गया था। तो व्यस्त टाइम था इसका और इसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा, आगे ही आगे बढ़ता रहा, बड़ा साहस और कॉन्फिडेंस के साथ।